झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट के स्थान पर 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली प्रदान करने के संबंध में। जो पहले आपके क्राइटेरिया 125 यूनिट तक के लिए थे, वही क्राइटेरिया आपके 125 से बढ़ा करके आपको 200 यूनिट तक का आपको सब्सिडी जो अभी किसी और सब्सिडी को कर्टेल करने की बात नहीं है, लेकिन जो आपका 125 यूनिट तक जो फ्री मिलता था, अब आपको 200 यूनिट जो है वो आपको मुफ्त मिलेगा। लाभुक की दो सौ यूनिट तक करने से लाभुक की संख्या इसमें स्पष्ट अभी मैं नहीं बता पा रही हूं, लेकिन जो अतिरिक्त प्रतिमाह जो राज्य पर अतिरिक्त बजटीय भार पड़ेगा सब्सिडी पर, वो 21.71 करोड़। पर मंथ। क्योंकि अभी 125 का जो अवेल कर रहे हैं बेनिफिट, वो लगभग आपके 41 लाख कंज्यूमर्स अवेल कर रहे हैं। 41.4 125, हाँ, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अवेलिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 125 यूनिट्स। वो एस्टिमेट किया गया होगा, लेकिन ये तो एक्चुअल फिगर जो आप 125 जो अवेल कर रहे हैं, क्योंकि जब सब्सिडी या इतने तक फ्री रहता है तो कुछ जो आपके 200 कंज्यूम कर रहे थे होंगे वो भी आपके 125 के कैटेगरी में आ गए होंगे। वो अलग से हम लोग उसको बिलिंग वाला डिस्कस कर लेंगे। प्रस्ताव संख्या 33, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से, उग्रवादी आतंकवादी हिंसा में मृत झारखंड राज्य के सामान्य नागरिकों के आश्रित को अनुग्रह अनुदान अनुकंपा नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में। उग्रवादी आतंकवादी हिंसा में जो सामान्य नागरिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को जो अनुग्रह अनुदान या अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है, उसे संबंधित डिटेल गाइडलाइंस नहीं होने पर कई बार कठिनाई हो रही थी या पुराने कई मामलों में हम लोगों को उन्हें रिजेक्ट करना पड़ा था। तो ये डिटेल गाइडलाइंस किस प्रकार से अप्लाई किया जाना है, किस समय अवधि में अप्लाई किया जाना है, ये विस्तारित किया गया है, और साथ ही साथ पुराने मामलों के लिए उनका निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा विलम्ब को छांद करते हुए, ये गाइडलाइंस का गठन किया गया है। प्रस्ताव संख्या 34, समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से, समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत प्रखंड साधन सेवी एवं संकुल साधन सेवी संविदा नियम 2024 की स्वीकृति के संबंध में, जो हमारे बीआरपी और सीआरपीज हैं उनके लिए संविदा नियम 2024 का गठन किया गया है, और इसके तहत जो इनका वर्तमान मासिक परिलब्धि
जो 17,500 है बीआरपी प्रशिक्षित के लिए, वो बढ़ करके 27,500 की स्वीकृति हुई। बीआरपी अप्रशिक्षित 16,500 से बढ़ करके 26,000, सीआरपी प्रशिक्षित 16,500 से बढ़कर 25,500 और सीआरपी अप्रशिक्षित 15,500 से बढ़कर कुल जो प्रस्तावित नियत मासिक परिलब्धि है 23,900, यानी कि लगभग 50% की वृद्धि है। साथ ही साथ प्रतिवर्ष 3% इंक्रीज होगा। सीआरपी का 16,500 है वर्तमान इनका, इनकी परिलब्धि, और कुल हो जाएगा 25,500। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।